जो बीत गया वही सबसे अच्छा टाइम था, अब आया है मेहनत करने का समय। ये 2 साल की जर्नी है, ये IIT की तैयारी नहीं है, ये नीट की तैयारी नहीं है, ये लाइफ में मेहनत कैसे करते हैं उस चीज की तैयारी है। इन 2 साल की जर्नी में आप ये सीखोगे कि मेहनत कैसे की जाती है, किसी टारगेट के पीछे कैसे चेज किया जाता है। डेफिनेट सी बात है, कुछ बच्चे सक्सेसफुल होंगे, कुछ बच्चे भी सक्सेसफुल होंगे, कोई अनसक्सेसफुल नहीं होता, ये बात समझो। जो सेलेक्ट हुआ वो भी सक्सेसफुल, जो सेलेक्ट नहीं हुआ है वो भी सक्सेसफुल। क्यों? क्योंकि उसने सीख लिया है मेहनत करना, उसने सीख लिया है गोल को चेज करना, वरना कई बच्चे ये चीज कभी नहीं सीख पाते। मेरे बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने IIT JEE की तैयारी कोटा जाके की, मैं कोटा की बुराई नहीं कर रहा, और सेलेक्ट नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा कोटा बुरा है, मैं बता रहा हूं अच्छाई। वो सेलेक्ट नहीं हो पाए कंपटीशन में, IIT में नहीं सेलेक्ट हुए, NITs में नहीं सेलेक्ट हुए, स्ट्रीम ही चेंज कर दी, बट वो जहां पे भी गए लाइफ में उसके बाद वहां पे जाके उन्होंने धमाका किया, क्योंकि उनकी मेहनत करने की आदत बन गई थी। तो मैं यही चीज बता रहा हूं कि हम लोग भी उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। 2 साल आपको घिसके पढ़ाएंगे, रगड़ के पढ़ाएंगे, आपकी मेहनत करने की आदत बन जाएगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी किसी IIT में सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं किसी NIT में, अब ये कहानी फिर कभी, NIT की क्या कहानी थी मेरी, तो सेलेक्ट हुआ था तो। बट आप देखो ना कि मैंने किसी IIT गया ना किसी NIT गया, बट वी मेड इट बिकॉज, क्योंकि हम लोग तैयारी के टाइम पे हम लोग ने एक बार मेहनत की है। तो ये 11th 12th वो चीज है जो आपको जिंदगी भर याद रहेगी। अगर आपने सच में ड्रीम को चेस किया तो आप लाइफ में ड्रीम चेस करना, गोल चेस करना सीख जाओगे।